हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे, प्रीवियस वीडियो में हम क्या सीखे थे, एक आरजीबी इमेज को कैसे रिसाइज करकर हमने हाफ एंड डबल किया। लेकिन इस वीडियो में क्या सीखेंगे, इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे ग्रेस्केल इमेज को कैसे हाफ एंड डबल करते हैं, ठीक है। रिसाइज करकर कैसे हाफ एंड डबल करेंगे बाई यूजिंग द मैटलैब। ओके, तो सबसे पहले मैटलैब ओपन करना पड़ेगा। एक ही है, एक जैसा ही है, जैसे कि हमने आरजीबी इमेज को जैसे रिसाइज कर हाफ एंड डबल किया प्रीवियस वीडियो में, ग्रेस्केल इमेज भी वैसे ही करते हैं। लेकिन लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा यहाँ पर, वो चेंजेस ही मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन पूरा सेम है, आरजीबी जैसा ही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमें ग्रेस्केल इमेज रीड करना पड़ेगा। आई एम रीड, अच्छा आप जिस ग्रेस्केल इमेज को रिसाइज करना चाहते हो बाई हाफ एंड डबल, वो ग्रेस्केल इमेज आपका इस फोल्डर में होना चाहिए, जो फोल्डर आप यहाँ से चूज करके रखे हो, क्योंकि इसके बिना नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो ग्रेस्केल इमेज है उसका नाम भी मैंने ग्रेस्केल ही दिया है, ठीक है। तो ग्रेस्केल .jpg, ओके। सो मेरा ग्रेस्केल इमेज जो है वो रीड हो गया। अब आई एम शो कर मेरा वो ग्रेस्केल इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा इस ग्रेस्केल इमेज कैसे दिखता है, वैसे ही दिखता है, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ। अब क्या करेंगे, अब हम रिसाइज करना चाहेंगे, ठीक है। बी इज इक्वल टू जो मेरी बी वेरिएबल में स्टोर होगा। तो रिसाइज के लिए मैंने आपको क्या बोला था, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि है आई एम रिसाइज, ओके। सो मैं किसको रिसाइज करूँगी, ए ए में जो इमेज स्टोर है उसको, ठीक है। तो ए कॉमा हाफ करूँगी फर्स्ट, ठीक है, ओके। तो मेरा रिसाइज इज डन। अब क्या करूँगी, अब मेरा जो रियल इमेज था बिफोर द रिसाइजिंग, मैं उसका स्केलिंग थोड़ा देख लूँ। मैं जैसे यहीं पर देखिए, जब मैं एक आरजीबी, एक बिफोर द रिसाइजिंग एक आरजीबी इमेज को मैं इमेज ऐसी कर देख लेती हूँ, तब क्या होता है, तब रियल इमेज का, रियल इमेज जैसे ही आता है उसका स्केलिंग मुझे दिखाता है। लेकिन इस जब मैं एक ग्रेस्केल इमेज को, मतलब ये वाला मेरा पिक्चर रियल था ऐसा दिखता था, ठीक है, जब मैं बिफोर द रिसाइजिंग जब मैं ग्रेस्केल इमेज को, इमेज का स्केलिंग देखना चाहूंगी, तब वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है, कलर मैप देना पड़ता है ग्रे, ये देखिए, ये है बिफोर रिसाइजिंग, ओके। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सुविधा के लिए, टाइटल बिफोर रिसाइजिंग, ठीक है। आफ्टर रिसाइजिंग किस वेरिएबल में स्टोर है, बी में स्टोर है, ये देखिए, ये है आफ्टर रिसाइजिंग और ये है बिफोर रिसाइजिंग। इसको देखिए आप और इसको देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 20 से शुरू हुआ है 20 140 तक, 20 40 60 80 100 120 140, यहाँ पर देखिए 10 to 70, मतलब बिल्कुल भी हाफ हो गया। यहाँ से आप देखिए 20 to 220, यहाँ से देखिए 10 to 110, हाफ हो गया, है ना। तो समझ में आया आपको, अब हम डबल करेंगे, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, अच्छा सीएलसी एक ग्रेस्केल इमेज को ले लेते हैं, फिर उसको आई एम शो कर देखेंगे, फिर क्या करेंगे,
इसका जो फिगर इमेज SCA ऐसे दिखेगा, लेकिन क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मैंने कलर मैप नहीं दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको रिसाइज करूंगी, आई एम रिसाइज ए कॉमा डबल करूंगी इसको, तो मेरा रिसाइज इज डन। सो अब क्या करूंगी, अच्छा बिफोर रिसाइजिंग कैसे दिखता है इसका स्केलिंग देख लीजिए आप, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, आफ्टर रिसाइजिंग ये देखिए, बिफोर रिसाइजिंग एंड आफ्टर रिसाइजिंग। यहाँ पर देखिए ये रियल था, बिफोर रिसाइजिंग 20 से 140 जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी अभी, और यहाँ पर क्या है 50 to 250, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 20 to 220, यहाँ पर देखिए 50 to 400, मतलब कि डबल हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।